दुनिया में लीगल काम से ज्यादा इलीगल कामों का बोलबाला है। ऐसे ही लीगली होने वाला स्ट्रीट फाइट अब इलीगल तरीके से होने लगा है। जो भी स्ट्रीट फाइट में जीतता है, जीतने वाला अपने एरिए का हीरो हो जाता है। इसी तरह की 1971 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी, जिसका संबंध उस समय के ऐसे ही एक स्ट्रीट फाइट से है। उस जमाने में ये फाइट काफी अच्छे से किया जाता था। इस फाइट में दो लोग बिना किसी सुरक्षा के वो जैसे थे वैसे ही एक दूसरे के साथ फाइट किया करते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन खेलों में एक रेफरी होता है, लेकिन स्ट्रीट फाइट में कोई भी रेफरी नहीं होता। जो हार जाता वो अगली फाइट तक जीतने वाले को हराने की कोशिश में लगा रहता और मेहनत करता रहता। समय के साथ साथ ये स्ट्रीट फाइट जानलेवा भी होने लगा। हारने वाले अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीतने वाले की जान भी ले लिया करते थे। ये सब अंडरग्राउंड होते हैं क्योंकि कानून इन्हें सजा देती है। स्ट्रीट फाइट में काफी खून भी होने लगे थे, जिसके कारण कानून ने सख्त कदम भी उठाया है। इसके बावजूद स्ट्रीट फाइट रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे ये फाइट अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। पिछले 5 सालों से गुना को हराकर राजा यहाँ के लोगों का दिल जीत चुका है। इस फाइट में जीतना सिर्फ नाम के लिए होता है, पैसों के लिए बिल्कुल नहीं। ये है काशी मेलू का गुना। इसका काम क्या है, अगर देखें तो ये पंचायत करता है। इसके एरिए में इससे पैसे लेने वाला कोई भी नहीं है। इसके लिए भी ये फाइट जान से बढ़कर है। देखते हैं कि इस बार ये फाइट में जीत पाता है कि नहीं।
इनके सर पर बहुत भारी चोट लगी थी, दिमाग में जाने वाली नस कट गई थी। ये जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है। इसे ठीक करने के लिए कम से कम 5-6 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, तब तक मैं जो दवाइयाँ दे रहा हूँ अच्छे से देते रहिएगा। अभी इन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ, लेकर जाइए। देखो सुबह सुबह पीकर यहाँ आके पड़ा है पागल है। चलो उठ 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 जा यहाँ से। कितनी बार समझाया था इन्हें, पड़ गए ना बिस्तर पे। थोड़े से पैसे के चक्कर में आखिर ये हालत हो गई ना तुम्हारी। दीदी कोई जरूरत हो तो आवाज दे देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। अरे सोन तू घर पे आ जाना। उसे जान से मारने की बजाय यहाँ बिस्तर में ऐसे पड़े हुए हो, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? दीदी डॉक्टर ने जो दवाइयां बोली हैं बराबर देते रहना। मैं दे दूंगी। भाई आपको कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करना, हम लोग आपके लिए 3 घंटे ज्यादा काम करेंगे भाई, बस आप हिम्मत मत हारना। दीदी मैं आता हूँ। ठीक है। देखो तुम्हारे बाप को झगड़े में पड़कर क्या हालत हो गई है इनकी, इनको लगी हुई हर एक चोट देखना हम तीनों को बराबर लगी है। अब देखो ये कैसे अधमरे हो गए। अब हम तीनों का क्या होगा? बस बहुत हो गया आपकी देखभाल करना। अब मेरी जो भी जिंदगी बची है वो मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। जा रही हूँ मैं। बाबा आप टेंशन मत लेना, ये तो बस ऐसे ही, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ के बारे में ज़्यादा मत सोचना, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। उसके बाद का टेंशन बिल्कुल मत लेना बाबा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। मणि। ए मणि। हाँ दीदी। ये लो पकड़ो, दुकान पर जाकर 4 किलो चावल हाँ। और सब्जी लेकर आओ, साथ ही आते वक्त मेरे लिए मटन भी लेकर आना। जा जल्दी जा। जी दीदी। अच्छा वह दीदी ने सब अपने हाथ में ले लिया, अब से खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई दो चाय एक बंद।
अबे बन की औलाद, जब देखो बन ही खाता रहता है, बन जैसा हो जाएगा एक दिन। सीधा देख के चलना मास्टर, स्टॉप पे ध्यान रखना। भाई आपकी चाय इतनी नशीली कैसे होती है? वो क्या है ना, शुगर की जगह ब्राउन शुगर डालता हूँ मैं, इसीलिए। समझा? ए भाई ये बहुत भारी है, थोड़ा धीरे चलना, मैं थक गया हूँ। टेढ़ा बनाता है मुझे, तेरी वजह से 50 रुपए का फटका लगा मुझे। पिछली बार तूने भी तो 20 बोल के 40 लिया था। वैसे वो बहुत स्याणा है, जहाँ भी जाता है अपना धंधा चालू कर देता है, ब्लैक करने लगता है। ए वीरा तुझे क्या परेशानी है, तू धीरे नहीं चल सकता है क्या? अरे यार उसके मुंह पे एक रख के देने का, कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा तो आके अजमा लेगा। हाँ, चल। हाँ, चला जाना, चलते पकड़ इसको, चला जा। अबे जाने बोला तो कॉमेडी क्या कर रहे हो? तू बात करता है तो भी कॉमेडी लगती है। टेंशन मत ले, तुझे नहीं मारेंगे, तेरा दुकान तोड़ेंगे, तभी तो फाइट सीन लगेगा। ए वीरा तू आ रहा है कि मैं जाऊं? ए वीरा ये वजन नहीं उठाया जा रहा मेरे से। ए जल्दी चल वरना माँ चिल्लाएगी। तू ये सब देखता रहे, मैं तो जा रहा हूं। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम्हें ये चाहिए क्या? तुम एक मुसीबत के पीछे भाग रही हो, आज इससे परेशान होके आई हो, कल किसी और से परेशान होके आओगी। ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गई, कल मिलते हैं, बाय। देख तू मुझ पे भड़कना मत, अगर मैं उससे नहीं पूछती तो वो तुम्हें पागल बना देता, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसमें भड़कने की क्या बात है, तुमने मेरे अच्छे के लिए ही किया है, अब से मैं उसे देखूंगी भी नहीं। सॉरी यार, चल मुझे जाना होगा, पापा का दुकान आ गया ना, चलती हूँ। भैया ए देखो कितना है भाई, ये सारा लोहा है। भैया लोहा 15 किलो है। और ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक 5 किलो है भैया। सब मिला के 550। एक दो तीन, ये पकड़ो 300। और ये 250। भैया क्या हुआ? बस 250 रुपये ही, मुझे और 200 रुपये की जरूरत थी, अगली बार एडजस्ट कर लेंगे। क्यों रे, पिछली बार बोला था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं इसलिए चाहिए, अब क्या जरूरत पड़ गई? अभी भी उसी के लिए मांग रहा हूँ, तुम्हारा पैसा दवाइयों में ही खर्च हो जाता है। अब कैसी है तुम्हारे बाप की तबीयत? अभी ठीक है भैया, डॉक्टर ने कहा है कि ठीक हो जाएंगे। ये लो, उनको बोलना कि आके मिलता हूँ मैं उनसे। ठीक है। ए, दीदी सॉरी। क्या बात है, आज अच्छे पैसे कमाए। इतने पैसे में क्या होता है, जा जा अपना काम कर ले जा। पापा, पापा, आप खाना खाने घर जाइए, तब तक दुकान मैं संभालती हूँ। नहीं बेटी 10 मिनट लगेंगे, सारे सामान समेट लूँ फिर घर चला जाऊंगा। हाँ हाँ वो सब मैं संभाल लूंगी। आपको अल्सर है, बीपी है, बिना खाए कुछ हो गया तो मेरी शादी कौन कराएगा? हाँ? जल्दी घर जाइए। बेटी तुम सारी चीजों को यहाँ वहाँ कर देती हो, फिर तकलीफ किसे होती है, मुझे ही होती है ना, तुम बस वहाँ बैठी रहो मैं खा के आता हूँ। ये सुनो, इसे कुछ काम करने मत देना, समझ गया ना? हाँ? तुम बैठो। अच्छा से फोर्स फोर्स और जोर से शाबाश, फास्ट फास्ट शाबाश शाबाश शाबाश, और फास्ट होना चाहिए। हाँ,
फास्ट फास्ट स्पीड 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 बढ़िया और बढ़िया तेज 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 और तेज और तेज ऐसे 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 मारो शाबाश और फास्ट शाबाश 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 हाथ को मजबूत रखो सीधा मुंह पे पड़ना चाहिए कट क्यों कर रहा है क्या कर रहे हो तुम लोग छह महीने से सीख रहे हो ऐसे किक मारते हैं यहाँ लोग इधर स्ट्रेट पंच मार के दिखा देखा कैसे कर रहा है ऐसे करना है देख क्या रहे तुम लोग चलो करो ये लो ये भी ना फोन भी नहीं उठाया अरे ये क्या लोखंड 10 किलो है और प्लास्टिक 56 किलो तुम्हारे पिताजी होते तो 50 रुपए और देते तुम इतना ही दे रही हो मैं वैसे ही गुस्से में हूँ मेरे पापा तुम्हें कितना देते ये मुझे समझाओगी ना तो अच्छा नहीं होगा चल जा जा यहाँ से हाँ हाँ आई बड़ी एक दिन में तुझे जरूर देख लूंगी और फास्ट और फास्ट बढ़िया 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 शाबाश शाबाश मुंह पे हाँ सीधा मुंह पे शाबाश शाबाश फास्ट फास्ट और फास्ट अरे करम जले तुझे मैं कब से ढूंढ रही हूँ तू इस गंदगी को देख रहा है चल यहाँ से शाबाश मुंह पे सीधा मुंह पे सीधा मुंह पे सीधा मुंह पे
है ना, पैसा लेके ही पानी के लिए आना, वरना नाले से भर के पानी पियो। आ जाती है कहीं से भी, निकल यहाँ से, चल जा। ए कनक, क्या देख रही है, अब तेरी बारी है। तेरे पास पैसे है ना, तो यहाँ जमा कर और पानी लेके जा। पता नहीं गवर्नमेंट ने इसके घर के बाहर ही क्यों टंकी बनाई, बहुत नाटक। ऐसी बात है, मैं भी पैसे दे के ही पानी लेती हूँ। सरकार ने सिर्फ टंकी बनवाई है, लॉरी ड्राइवर को पैसे देंगे तभी वो पानी लेके आएगा ना। हाँ हाँ, तुम्हारी बात सही है, तुमसे और सवाल करेंगे तो तुम सीएम से डीएम तक पहुँच जाओगी। चल निकल यहाँ से, फोकट का पानी लेने आ गई। माँ। हाँ। पैसे चाहिए माँ। जब देखो पैसा पैसा करते रहता है, क्यों चाहिए पैसा तुझे? पेट्रोल भरना है। पकड़ इसे, मेरे पास बस यही काम है। जल्दी करो माँ, बाइक में पेट्रोल भर के बस यहाँ वहाँ घूमते ही रहना। पकड़। कैसा लड़का है, जब देखो दोस्तों के साथ घूमते रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। जल्दी से इसकी शादी करवानी पड़ेगी। जी सर, मैं अभी एरिया में ही हूँ, देख के कॉल करता हूँ। अरे अरविंद, चाची बुला रही है और तू सुन भी नहीं रहा, ऐसे ही चला जा रहा है। क्या हुआ चाची, ये क्या है? ये ले, तुमने तो पिछली बार दिया था ना। खर्चे के लिए दिए हैं। ठीक है रात को। हाँ, घर पे मिलता हूँ, अभी काम पे जा। जा, कैसा लड़का है, अभी काम पे जाना है ऐसे। बाकी सब तो ठीक है। हाँ दादी। फोन किए जा रही थी, उसके बाद कॉल करने का सोचा था मैंने। ओ, जैसे कि तुम मुझे रोज के रोज 1000 कॉल करते हो। हे, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बैलेंस नहीं था। छी, ये बोलने में शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अपनी बीवी से बोला मैंने, इसमें शर्म कैसी। सुनो, आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे। अरे मैंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं। तुमने मारा ठीक है, कोई और मारता ना तो। जाओ यहाँ से। एक और मार लो, लेकिन जाने को बिल्कुल मत बोलो। जाओ 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 जाओ। 130 रुपए। इतने कम पैसे अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रहे हो क्या? हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी बड़े घर में करवाने वाला हूँ। तेरी लड़की उस मास्टर के पीछे पड़ी है, मैंने पहले ही बोला था, ऐसे ही होता रहा तो वो भाग जाएगी। देखो, सामान दो, पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर यहाँ वहाँ की बातें मेरे सामने करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। ए, मैंने अपनी दोनों आँखों से देखा है, वो दोनों साथ में घूमते हैं। मुझे सब पता है। देखो मेरी बेटी आ गई, अब उसके सामने कुछ मत बोलना, चलो जाओ। मैंने तो बोल दिया, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। अरे पता है मुझे, तुम जाओ। और तो कोई काम है नहीं, बस चुगली करने चली जाती है। सुनो, कहाँ गई थी तुम? फ्रेंड के साथ घूमने गई थी पापा। देखो तुम जो कर रही हो सही नहीं है, सारे लोग तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे हैं। घुमा के बात मत कीजिए, सीधे बताइए क्या है। कुछ नहीं बेटी, वो खानदान अच्छा नहीं है, उसकी माँ एक गुंडी है, उसकी चाची गांजा बेचती है, तुम्हें वही खानदान मिला है क्या? लेकिन अरविंद अच्छा लड़का है पापा। बात वो नहीं है बेटी। पापा, उस घर में मैं रहने वाली हूँ, आप नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगी। देखो बेटी, मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से बीते यही चाहता हूँ, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। अबे उसको बुला। अरे बुलाना। मैं नहीं बुलाऊंगा। अरे चलना बुलाना। अरे मेरे से नहीं होगा रे। चल, डरता है। दीदी देखना कैसे भूल रहा है।
अरे दीदी घूरो मत, डर लगता है। क्या है, क्या प्रॉब्लम है? ये मास्टर तुझे नहीं तेरी बहन कुमार को बोला, कल चूड़ीदार में देखा उसको, देखकर मुझे कुछ होने लगा। क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा लग गई क्या? छोड़ दे यार, सब ठीक हो जाएगा, बस माँ को मत बताना। एक काम कर, तू अपना मुंह धो ले, अगर माँ ने देख लिया तो बहुत डांटेगी। आने में कितनी देर लगा दी? दुकान पे कोई नहीं था। ए बीरा, उस डिब्बे में दवाई की पर्ची है, लेकर आओ। अरे देख क्या रहे हो, ले आओ ना। पैसे कहाँ हैं? ए ये इतने कम पैसे क्यों? यहाँ क्या हुआ, ये मुंह पे चोट कैसे? वो मैं गिर गया था। गिर गया था? गिरने से क्या ऐसे लगता है मुझे पागल समझ के रखा है? झगड़े कर करके तेरा बाप कैसे लेटा हुआ है तू देख रहा है ना? तू भी उसके साथ लेटेगा, तुझे तो मैं झगड़ा करेगा तू। ए कुमार यहाँ, मैं बुला रही हूँ ना। ए कुमार यहाँ। अरे इतनी देर लगा रहा है कुमार। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को मारा? बता मुझे, आपस में झगड़ा कर रहे थे? नहीं मामा। ये क्या रे, दोनों अलग अलग जवाब दे रहे हो? अब तुम दोनों झूठ भी बोलने लगे हो? नहीं माँ, वो लड़के कुमार को दीदी कह रहे थे। ए, कौन है रे जो मेरे लड़के को ऐसे बुला रहा है? बाथरूम में ये कभी कभी लड़कियों के कपड़े पहन के देखता है, इसीलिए उन्होंने। क्या कहा? ए, तुझे पूछ रही हूँ, मेरी कोख से पैदा होकर तू ऐसा? तुझे तो मैं बाजू वाले के घर से चूड़ीदार वगैरह चोरी हुआ तब भी मैंने सोचा था, हमारे घर से तो कुछ चोरी नहीं हो रहा, इस सब के पीछे तू है ये आज मुझे पता चला। तुझे जान से मार दूंगी मैं। इसके वो सारे कपड़े कहाँ हैं? जाकर लेकर आ। इतनी मेहनत करके पैसे कमाकर मैंने इन दोनों के लिए क्या क्या सपने देखे थे और आज मुझे ये क्या सुनने को देखने को मिल गया। जा जाकर ये सारे कपड़े जला कर आ, तब तक मुझे अपना मुंह बंद दिखा, मैं तुझे घर में आने नहीं दूंगी।
ए कुमार, भैया क्या कुमार को देखा है? मेरे को क्या मालूम। भैया कुमार को देखा है? hey, क्या कुमार उमार, किसी कुमार को नहीं देखा। क्या समझा है मेरे को कुछ काम नहीं है क्या? ये सब मजाक यहाँ नहीं चलेगा, चल निकल। कुमार को देखा क्या? मुझे नहीं मालूम। चाचा कुमार को देखा क्या? चल जा यहाँ से। सुबह से मेरी बीवी गायब है, वो नहीं आई और तू आकर कुमार कुमार कर रहा है। दिमाग खराब कर दिया। माँ माँ उठो माँ, कुमार घर पे नहीं है। सुबह सुबह उठ के कहीं चला गया माँ। अरे वो यहीं कहीं होगा। कुछ सामान भी लेके गया है माँ। अरे यहीं कहीं होगा, ढूंढ उसे। उसे बोलना माँ उस पे बहुत भड़की हुई है। वीरा, तेरा बड़ा भाई घर आया क्या? ए कहाँ जा रहा है बे? हे कुछ पूछ रहा हूँ ना। क्या परेशानी है तुम्हारी? अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो घर आए या ना आए तुमको क्या? हाँ सॉरी वीरा, सब हमारी गलती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, पता नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी, इसीलिए बात करने से भी डर रहे थे। जाने दे वीरा, कहीं नहीं गया होगा वो, आ जाएगा वापस। भाई तू उदास मत हो, अपने सारे लड़के ढूंढ रहे ना यार, उसको ढूंढ लेंगे। मुझसे जितना हुआ उतना 2 लाख का मैंने इंतजाम कर दिया है। ये फाइट जीतकर जब आते थे तब जो लोग आते थे वो आजकल फिरकते भी नहीं है यहाँ पर। जाने दो दीदी, मैं लोन का कुछ करता हूँ ना, लोहे के बने आई है, कुछ नहीं होने वाला इनको। हाँ लोहे के, और ये सिर्फ तुम लोग ही बोलते रहते हो इन्हें ऐसा लोहे का। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। क्या रे बड़ा बाल संवार रहा है? हाँ तेरी बेटी की स्कूल छूटने वाली है ना, इसलिए। क्या बोला रे तेरी? तो जल्दी ठीक हो जाओगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं लोन का कुछ करता हूँ, निश्चिंत रहो। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर। क्या नाम है तुम्हारा? वीरा मास्टर जी। काम क्या करते हो? वैसे तो कचरा जमा करता हूँ, लेकिन वैसे बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ। अच्छा ऐसा है, कौन कौन से सपने हैं जनाब के? मैं भी मेरे पिताजी जैसा। पिताजी जैसा? माँ आ गई। मास्टर जी कुछ बोलना मत प्लीज। थैंक्स दीदी। मास्टर जी मुझे भी मेरे पिताजी जैसा फाइटर बनना है। अच्छा ठीक है, दीदी से पूछता हूँ। आराम से बात करो मास्टर जी, माँ सुन लेगी। अगर उसने सुन लिया ना तो मेरे साथ साथ आप भी मार खाओगे, मैं उसे बिना बताए ही आता हूँ। ए सुन हीरो, घर में किसी से बगैर पूछे नहीं आना। मास्टर जी इन्हें देखिए, अगर ये ठीक होते ना तो मुझे भेज देते। झूठ लगता है तो पूछ लो इन्हें, हम जो भी बात करते हैं ना ये सुन लेते हैं, माँ ने बताया है।
मैं अच्छी फाइट कर लेता हूँ मास्टर जी। पिछले हफ्ते ही वो जो कचरे वाला ग्राउंड है ना, वहाँ दो लोगों को मैंने ऐसा पीटा है कि आप यकीन नहीं करोगे। कसम से कहता हूँ मास्टर जी, एक हफ्ते में तो आपसे भी लड़ लूँगा। मेरे से लड़ेगा? ठीक है, चल देखते हैं कैसे लड़ता है मुझसे तू। इसको तो दो दिन नहीं लगेंगे। इससे बचना पड़ेगा भाई। मास्टर जी, आप थे इसलिए बच गए, वरना बताओ किससे फाइट करनी है। तो जानते नहीं है आप मुझे। ए, जाके ग्राउंड की सफाई कर जा, जाना। ए, वो तीसरा वाला पंच मार, स्ट्रेट पंच। हाँ, ऐसे, शाबाश। अपने बाप को भेज देना। पिछले महीने का बाकी पैसा दे दो। अरे मैं फोन करने ही वाला था। अरे वो सब छोड़ो, पैसे दो ना। दो दिन से दुकान बंद थी, पैसे नहीं है, अभी क्या करूं मैं। अगली बार साथ में दे दूंगा। ए, सेंटीमेंट मत दिखलाओ, जल्दी पैसे दो। अरे तुम्हारी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए पैसे रखे थे, ले लिया ना तुमने, पक्का बिजनेस मैन। अरे सुन भाई, चार पैकेट देती हूँ, उसे बेच के अपना पैसा लौटा दे। ए, मेरी माँ, तुम उससे दूर ही रह, उसी में मेरी भलाई है, बाकी मैं कर लूंगा। चला जा अरविंद, आजकल काफी काम कर रहे हो। क्या हुआ, वो दुकान वाला तुम्हें परेशान कर रहा है, पैसे नहीं दे रहा तुम्हें? ऐसे मैं निकाल दूंगा, तुम हर आदमी से ऐसे क्यों बात करती हो? ए, मेरी बात जाने दे, सुना है तो किसी लड़की के चक्कर में? ऐसा कुछ नहीं है। झूठ बोलता है, सारी खबर रखती हूँ मैं, रोज के रोज सारे अपडेट मिलते हैं मुझे। और क्या अरविंद, वही लड़की मिली तुझे, कितनी बक बक करती है। अरविंद क्या हुआ रे, वो लड़की आगे चल के मेरी देखभाल करेगी ना? अच्छी लड़की है चाची, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। कुछ भी, जाने दो। ये क्या है? कलेक्शन के पैसे। दे चुकी हो चाची? फिर भी रख ले, अच्छे से खाना खा ले, उससे मार खाने के लिए ताकत होनी चाहिए ना तुम्हें। कैसा लड़का है। थोड़ा साग लोगे क्या? ए, इधर आ, तू कहाँ गया था? क्या बताया था ना? बताया था कचरे के ग्राउंड में जा रहा हूँ। तू फिर झूठ बोल रहा है, लोगों ने तो बोला तू वहाँ जाता ही नहीं है। बोला ना कि वहीं जाके आ रहा हूँ। मार क्यों रही हो तुम? एक अधमरा पड़ा है, एक भाग गया है, और तू अपने बाप की तरह तू भी फाइट करने लगा है। अरे तूने समझ के क्या रखा है? देखो बेवजह मारोगी ना तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। आज तो झाड़ू से मारा इसकी माने। बकवास बंद कर, ज्यादा बोलेगा ना तो घर पे आके मारूंगा दोनों को, समझा? अंदर कर इसको। देख बाहर आ गया, अंदर कर इसको। अब देख यार, अबे अब भी बाहर है, जब देखो मजाक करता रहता है। सब लोग क्यों हंस रहे हो? देखो हंसना बंद करो, अभी अभी तो प्रैक्टिस शुरू की है, तुम लोग जानते नहीं हो, कुछ दिन के बाद फोड़ दूंगा तुमको। क्या भाई, बात बहुत कर रहा है, दे दे इसको। बोलने की जरूरत नहीं है, दे ही देते हैं। चल तो गया, अब क्या बोला मैं, फोड़ेगा हमको? लेकिन अभी झगड़ा करने का मेरा मूड नहीं है। मेरा तो बहुत मूड है, और तेरा ये चेहरा देखकर और मूड कर रहा है। पंच कैसा लगा? मस्त पंच मारा भाई, इसका तो एक में ही बैंड बज गया। देखो ना मास्टर, चुपचाप से जा रहा था लेकिन इन लोगों ने बेमतलब मुझे मारा।
ए, दिमाग नहीं है क्या? नए लड़कों के साथ ऐसा करेगा तू? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया। चुप, मुंह बंद कर अपना। यहाँ का नियम पता है ना तुम्हें? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जा जाके ग्राउंड के बीच चक्कर लगा क्या? मेरा तुम गिनो कितने राउंड मारते हैं ये लोग। ठीक है मास्टर जी। क्या हुआ? तेरी माँ ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं, मैं तो क्लास ले रहा था। एक नया लड़का है, कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा था। तो क्या इसी के लिए तेरी माँ चिल्ला रही थी? ऐसा पूछो ना। एरिया में नया है वो, फालतू बात किया, एक ही मारा। उसने जाके मास्टर को बुलाया, उन्होंने 20 चक्कर लगवाए। वहाँ के सभी लड़के मुझ पर फंस रहे थे, मैं कल से क्लास नहीं जाऊंगा। ये कौन सी बड़ी बात है, और इसमें तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? जब मैं गुस्सा करता था। अरे बस करो, आपके फ्लैशबैक का क्लास बंद करो। आप कुछ भी बोलो, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। हे, तो क्या जानवरों को चारा देगा? तू उसी के लायक है। तो फिर आप कौन है? फाइटर ही है ना, तो आप सिखाइए ना। पागल हो गया है क्या? हाँ, ये सब मैं मत पढ़। सुन, मैं मास्टर से बात करूंगा। आप क्यों बात करोगे? उसको आके सॉरी बोलने दो। सुन, गुस्सा अच्छा है पर नीचा किसी को नहीं दिखाना, उसके लिए उम्र है। क्या, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका ही बेटा हूँ ना, आप ही के जैसा रहूंगा। मैं भी वही कह रहा हूँ, तो बच्चा है और मैं बाप। खाना खा के सो जा, मैं कल उससे बात करूंगा। तुम्हारा लाडला कहाँ है? उसने खाना खा लिया। पता है उसने क्या किया? पता है? हे, 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 हे। क्या कर रहा है? कोचिंग के लिए भेजा पड़ा? और तू? हे, तू नहीं सुधरेगा। चल, चल, चल। कहाँ ले जा रहे हो? चल, मेरी बात क्यों नहीं मानी तूने? कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? चुप। मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो उसे? चल बैठ। पहले बताओ कहाँ ले जा रहे हो? बैठ। नहीं। आपने उनको कैसे पटाया? इसने बोला तुमको? मास्टर जी, आपको नहीं पता, आप उससे बात नहीं करते ना, तो वो भड़क गया और उसने क्या किया है पता है आपको? मास्टर, आप क्या करते हो? बताइए ना मास्टर जी। आप किसको फोन करते हो? आप क्या पहनते हो? मास्टर, आप दिन में कितना दम मारते हो? हे,
मास्टर बताओ ना, चुप क्यों, बोलो ना। अरे मास्टर जी, हमको सब पता है, अब हो गया ना, लव मैटर है ना। हाँ सही कह रहा हूँ। मास्टर जी बताओ ना, बताओ ना मास्टर जी। हे, ये प्रैक्टिस का टाइम है। बस 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 बाबा, कब तक एक ही बात सुनते रहेंगे हम लोग, कुछ तो इंटरेस्टिंग बताओ मास्टर। फालतू लव स्टोरी के लिए इतना सीन, मैं अपना बताऊं क्या? रहने दे, उनका इंटरेस्टिंग है, तेरा तो बोरिंग ही होगा। अरे ठीक है, बताता हूँ ना, लेकिन फालतू की लव स्टोरी मत बोलना। मास्टर जी अभी आए ना आप रास्ते पर, बस थोड़ा फीलिंग के साथ बताना। तुम लोग क्या फाइट करोगे? मेरी वाली जो फाइट करती है। कौन हो तुम? क्या आप अपने बेटी को छुपा के रखती हो? ए, मैं अपने बेटे को छुपा के क्यों रखूंगी? पहले ये बता, तू है कौन? क्यों रे, एक लड़की तुझे मारे जा रही है, तू खड़े खड़े देख रहा है, फंस कर दे नहीं सकता इसे। मैं सुबह 8 बजे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ सोए पड़े हो। क्यों रे, मेरे सामने ही मेरे बेटे को मारेगी? अरे आप भी अपने पति को मारती हो ना, आपके लड़के नहीं बताया मुझे। तुझे भी मारूंगी। हाँ वो तू ही है ना जो मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। हाँ हाँ, शक्ल तो देखो, कौन फंसाएगा इसे। कभी एक दिन भी टाइम पे आए हो क्या? बिल्कुल अपने माँ पे गए हो। हाँ तो मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा ना। माँ चाय दो ना। ए, गैस पे है, जा जाके खुद ले ले। क्या माँ? हे आज का टाइम ही ठीक नहीं है। हाँ सही बोली, मेरा बेटा मेरे जैसा ही होगा, तू बोलने वाली कौन होती है? अरे बाप रे, हे भगवान, शनि की 7:30 की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है तू। मुझे शनि कहती हो? आप शनि हो? कौन मैं? अभी दिखाती हूँ तुझे। क्या रे, अपने आप को क्या समझती है? मास्टर जी, वो आपको तो रोज ही मारती होगी। हे, वो मारती है तो रोकने का मन नहीं करता। मतलब बहुत मार खाई है आपने। हे, अभी मार खाएगा तू। वैसे कहाँ कहाँ मारा उन्होंने? हे, तेरी जान ले दूंगा मैं। आप भी ना मास्टर, मैं अभी सुसु करके आया। हे, कहाँ जा रहा है? अरे अभी तो बोला ना, फिर से बोलू क्या, चल छोड़। हे, तुम लोग मेरी खिंचाई करने आए हो क्या? ये सब छोड़ो मास्टर, आपकी माँ के साथ उस लड़की की जमती नहीं है ना। क्या करूँ, आखिर संभालना पड़ता है। क्या है माँ? ये क्या है? बाल है माँ। हाँ? मेरे होंगे, देखो ना। तेरे इतने लंबे बाल हैं क्या? मेरे ही हैं माँ, देखो ना कितने लंबे। चुप हो जा। ए, मा, उसी के बाल है ना? माँ, माँ मा छोड़ो। तू उसके साथ घूमने गया था ना? छोड़ो। हाँ? ए, इतना समझाने के बाद भी तू नहीं मानता ना? छोड़ो, छोड़ो ना माँ। बस ऐसे ही बीच गया था। क्या? मैंने समझाया था ना, वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। माँ, तुम्हारे लिए एकदम सही बहू है। तुम मेरे लिए अच्छी बहू ढूंढ सकती हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ सकता क्या? क्या कहा? तुझे शादी करने के लिए यही खानदान मिला था? उसके बाप के पास कुछ भी नहीं है, एक कबाड़ी की दुकान है बस। तुम भी नाम के लिए काम पे जाते हो, वो लड़की भी बिल्कुल नालायक है। ए, मैं पानी बेच के तुम्हारे पेट्रोल के लिए पैसे जमा करती हूँ, अगर तुमने से शादी की तो हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। बोलो तुम्हारे लिए सही है? माँ तुम मुझे समझती क्यों नहीं हो? बीवी आ गई तो जिम्मेदारी अपने आप आ जाएगी। मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो, अगर वो लड़की यहाँ पर आई ना तो मुझे किसी और झोपड़े में रख देना, मैं वहीं खुश रह लूंगी। माँ कपड़े सुखाने आई थी, ऐसे ही जा रही हो? है? उसी को बुला ले सुखाने के लिए। अरे वाह, मतलब तुमने उसे बहुत स्वीकार कर लिया। पैर तोड़ दूंगी तेरा। ए, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ना, छोड़ो। मेरी सास नहीं है, कहाँ गई वो? क्यों, फिर से झगड़ा करने आएगा तुम्हें? आज मैं तुम्हारी माँ से झगड़ा करने नहीं आई हूँ, तुमसे झगड़ा करने आई हूँ। अच्छा ऐसा। एक बदमाश है जो मुझे बहुत तंग करता है, उसे सबक सिखा दो। बदमाश का नाम?
अरविंद। ओह, तुम्हारे होठों से ही उसे सबक सिखा देते हैं। ओह, किसी को होठों से सबक सिखाया जा सकता है क्या? करने गया था लेकिन सबकी बोलती बंद होगी। इसके बाद क्या हुआ मास्टर जी? बदमाश सुन रहे हो ना? मैं सोच रहा था कि ऐसे ही चला जाओ, पता नहीं तो फाइट क्लास जाने का कोई कारण होगा, लेकिन अब पता चल गया है। अगर आप ठीक होते ना तो मेरा हाथ पकड़कर वहां लेकर जाते। मैं सही बोल रहा हूँ ना? पहले मैं बहुत डरता था बाबा, लेकिन अब तो डर बिल्कुल भाग गया है। पहले फाइट से डरता था मैं, लेकिन जब से मैंने उसकी आंखों में देखा ना, मेरा डर निकल गया। अब मैं फाइट के लिए तैयार हूँ। और एक बात कहो, मैं बस फाइट करने ही नहीं जाता, मैं कचरा चुन के माँ की मदद भी करता हूँ। पैसा जमा करने में 10 साल तो लग ही जाएंगे ना बाबा। और एक बात बताओ, मास्टर जी कहते हैं आप तो लोहे के बने हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम करो बाबा, मैं सब देख लूंगा, पैसा जमा करके आपका इलाज भी कर दूंगा। टेंशन कई कुल लेने का, टेंशन तो सिर्फ देने का है, अपना यही फंडा है रे बाबा, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, लाइफ में
चलो पंच 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 वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन रेडी वीरा या स्टेप लिए बे चार एक एक स्टेप लेने के लिए मुझे चार साल लगे तुझे आगे निकलने की जल्दी है तो तू समझा नहीं कि मैं तुझसे चार साल आगे हूँ लोगों ने बोला तू एक कचरा साफ करने वाला है और तेरी अकड़ तो देख फाइट करने वालों में ना एक अलग ही अकड़ होती है नहीं पता ना जा अपने बाप से पूछ ले वो एक फाइटर के लिए होता है सिर्फ एक ही मुक्के पे जाके कंप्लेन करने वाले के लिए नहीं तो सिर्फ ये सब कर कचरा साफ कर घर में पैसे दे और तेरे बाप की देखभाल कर वो सब छोड़ के यहाँ ग्राउंड में आने की जरूरत नहीं है समझा मास्टर के पास मैं ही आगे रहूंगा मेरी बराबरी करने के लिए हैसियत होनी चाहिए सही बोला मास्टर के सामने खड़े होने के लिए हैसियत चाहिए लेकिन वो बोलने से नहीं उसे करना होगा तूने क्या कहा कि मैं अपने बाप की देखभाल करता हूँ लेकिन तेरी देखभाल तेरा बाप करता है आप समझी हैसियत अब तो समझ ही गया होगा कि मुझ में और तुझ में क्या फर्क है ये लो सर क्या सर खांसी आ रही है आपको आराम से खाना चाहिए ना सर खांसी तो आएगी ही पता नहीं अभी पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा बाहर बैठ के डील कर सकते हैं ना सर किस लिए आपके आदमी तीन घंटे वेट कर सकते हैं ना पैसों के लिए भाई झींगा खाओ ना ए, चल बैठ क्या बे तुम सब अपने आप को बड़ा गुंडा बोलते हो ना सारे एरिया को मिलाकर स्टेशन का कलेक्शन कितना है पता है उसमें से तुम्हारा आधा भी नहीं है बड़ा एरिया समझ के यहाँ आया कुछ फायदा नहीं हुआ त्योहार का टाइम है मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी पैसे कहाँ है मुझे शॉपिंग करनी है काली का मंदिर तो चलेगा ना किस लिए प्रसाद खाने के लिए सुनो त्योहार के पहले तुम्हारा और मेरा फायदा हो ऐसा कुछ करो इसके बारे में बात करता हूँ ठीक है भद्रकाली का पूजा करने का प्लान करते हैं जी भाई ये ले ना भाई आरुमुगम मयम सर्वन तीनों को मिलने के लिए बुलाओ ठीक है भाई तुम सबको कब तक देखता रहूंगा देखने वाली चीजों को देखने चलते ना ए तू अपना हिस्सा दे मैं नहीं आ रहा हूँ क्यों अरे कुछ नहीं वो क्या है ना मास्टर हमेशा वीरा को बुलाते रहते हैं उसी के लिए इसका मूड डाउन है वीरा को अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है ना इसी बात से मास्टर जी पर बहुत नाराज है ए तू घूर क्या रहा है रे हम लोग भी तब से सब कुछ देख रहे हैं ना अब कुछ करना पड़ेगा
अरे बेचारा है वो, बाप बिस्तर पे है, बड़ा भाई औरत बन गया, क्यों उसको तंग करते हो? सब कुछ वो लेकर जाएगा और मैं उंगली चूसता रहूं। अरे उससे बेस्ट है तू। मजाक कर रहा है? अरे मास्टर को लगता है ऐसा, तू उसको एक बार नाम मस्त मार के दिखाएगा तो वो तेरी तारीफ करेगा। उस दिन तूने उसे एक मारा, क्या किया उसने, जाके सीधे मास्टर को कंप्लेन किया। तू भी क्या उसका टेंशन ले रहा है, चल बीच में चलते हैं। मैंने कहा ना नहीं आऊंगा, अब तू दिमाग मत खराब कर। ए, वो नहीं आ रहा बोल रहा है ना, चल अपन लोग जाते हैं। लोग जाओ। इसके बिना कैसे जाएंगे, कोई अपने को घास भी नहीं डालेगा। ये हमेशा खाने का सोचता रहता है। ए, चल रे भाई, तू ज्यादा मत सोच, घर जाके टोनी झा की सीढ़ी लेके देख, मास्टर को बहुत अच्छी लगती है, वैसे किक उसको मारो, मास्टर तुम पे खुश हो जाएगा। सुनो, हाँ ये लो लीजिए। नमस्ते भाई। क्या दिन है, बहुत दिनों बाद। समुद्र में था भाई, देवा भी वहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भाई, दो दिन पहले ही वो लोग बोट में आए थे, माल बढ़िया है भाई, खूब मजे किए थे। पता नहीं क्यों भाई उसने बोला कि आपसे मिल लूं मैं। मैटर क्या है? पता नहीं भाई, सामने सामने मिलकर बात करने को बोला। कौन कौन? आप, अरुमुगम और महेश। बोलो क्यों? मैं हूं ना, चैंपियन के सामने उनकी क्या जरूरत। गुस्सा क्यों करते हैं भाई, वो लोग भी तो एरिया की है ना भाई। तो फिर मेरे एरिया में मुझे ही देख लेंगे, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, वो जगह मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए हम कौन है बताएंगे। भाई मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था। तो क्या है, तुम कुछ मत बोलो और जाओ, मैं देख लूंगा। भाई अरे भाई आज का दिन अच्छा नहीं रहा। हाँ यार भाई भी पता नहीं कहाँ, आए नहीं अभी तक। कैसा कलर किया बे, तोते के जैसा दिख रहा है तू। चल ये ले पकड़ चाय भी। कहाँ से करवाया बे? अबे चलना छोड़ना अभी। अबे ये क्या लेकर आया है भाई? कॉफी टी भाई, सुपर है। ए फालतू नाटक मत किया कर। ए सुन रे, कॉफी भी टी देखने नहीं मिलता तो कॉफी टी टेस्ट करते हैं। अबे मोटे गेंडे, मैं वो नहीं पूछ रहा। देख मैं समझाता हूँ, कॉफी 10 रुपए की आती है, टी 8 रुपए की आती है। तुम सब कॉफी पीते हो, मैं टी पीता हूँ, इन दोनों को मिला करके थोड़ा थोड़ा सब पी लेते हैं, इससे दोस्ती बढ़ती है यार। थोड़ा थोड़ा मिला के पीने से इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तुम लोग एक बार पी के तो देखो, मजा आ जाएगा। अरे यार उसका अलग टेस्ट है, इसका अलग टेस्ट है। ए, अंत में सब पेट में ही जाता ना, मिला के पीने से अच्छा होता है, देख मैं कितना फिट हूँ। क्या तू और फिट? बेटा जब मैं 10th में था ना तो एथलीट प्लेयर था। अरे वो तो शांति दीदी की बिरयानी खा के ऐसा हो गया हूँ। अगर कभी इसका पेट फटेगा ना, पेट से सब गोल गोल आइटम ही बाहर निकलेगा। हेलो। देखो उधर भाई, मेरा कितना भी मजाक उड़ाओ, वो तो सीमा पार कर रहा है, लिमिट क्रॉस करने मत दो उसे। भाई कुछ करना पड़ेगा, बहुत उछल रहा है। आज के बाद या तो वो रहेगा या तो मैं, पता लगा। तू जरा डिप्स मार रहा है, आज इसका सारा डिप्स हम निकाल देते हैं, चल। अरे वो ऑलरेडी फटा हुआ है, आज उसको तोड़ते। ए, तू अपने आप को समझता क्या है बे? मास्टर से चिपका रहता है, जब से बुला रहा हूँ और तू चला जा रहा है, क्या एक और चाहिए क्या? आखिर तेरे को प्रॉब्लम क्या है? चल रास्ता छोड़।
तो चलना फाइट करते हैं। जिसके अंदर ज्यादा दम होगा वही जीतेगा। जाने दे बे, वो अपने भाई की तरह ही जा रहा है। मेरी जगह लेने के लिए अपने बाप के बाजू में एक और खटिया डाल दे, समझा ना। मुझे भी यही चाहिए, लेकिन खटिया मेरे घर नहीं, तेरे घर में डालनी है। तो चलना फाइट करते हैं, फिर तुझे पता चल जाएगा बेटा। बहुत बात कर रहा है, कहाँ फाइट करेगा? तू जहाँ बोले वहाँ करेंगे। ठीक है, सोनाज में करते हैं। वही देखना पड़ेगा कि तेरे खटिया का साइज क्या है। दे उसके मुंह पे, मुंह फूट जाना चाहिए उसका। भाई हड्डी तोड़ देना इसकी आज, सीधा पंच फेस पे मारना। आना मार मुझे, तू फिर कभी ग्राउंड पर नहीं आएगा। आना हे, क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो क्या? लड़का सही है और लग रहा था कि दिल से सीख रहा है ये, यही करने के लिए। मैंने तो उस पर गलत भरोसा किया, छे मुझे मारना चाहिए। और तू खुद को गुंडा समझता है? मैं नहीं मास्टर, ये गुंडा। एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो, छोटा है तुमसे, अभी अभी तो आया है। पागल हो गए हो क्या तुम? डिसिप्लिन नहीं है क्या? सिखाया तुमने? यही सब सिखाया मैंने। मैंने जो सिखाया है वो खुद को बचाने के लिए है, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं। समझ में नहीं आता है तुम्हें? तुम लोग घी हो क्या? आग लगाते रहते हो। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, इनको देखो और इनका साइज देखो। आज से तुम दोनों मेरे सामने मत आना, जहाँ चाहो वहां जाओ, ले दो दूसरे की जान। क्या बात है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या, या फिर चाची को पुलिस वाले उठा कर ले गए इसलिए परेशान हो? अरे पगली, वैसा कुछ नहीं है, बच्चों पर गुस्सा हो गया था। बाबू और हीरा इधर कुछ दिनों से प्रैक्टिस पर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तुम भी ना बच्चों के साथ रह रहकर बच्चों जैसे ही बन गए हो। ये भी कोई बात है क्या? जाओ बात करो उनसे, वरना यही पे उनके गम में डूबे रहोगे। क्या देख रहे हो? दू क्या? एक दू? छोड़ो छोड़ो, हाथ डैड कर रहा है, छोड़ो। हाथ बहुत उठ रहे ना, रोमांस में ऐसे हाथ पकड़ते हैं क्या? रोमांटिक मूवी से देखते क्या तू? उनसे बात करके मूड बदल के आता हूँ, फिर देखो तेरे हाथ कैसे पकड़ता हूँ मैं। हट पागल, बंदर कहीं के, जाओ पहले उनसे बात करो, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें। देवा ऐसा बोलेगा कभी सोचा नहीं था हमने। बोल दिया ना, यही राजा से बोला होता तो, मतलब मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? छोड़ो गुना, ये कोई बात है क्या? लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बोल गए। भाई अरविंद आए हैं, बुलाओ उन्हें। आने दो, लोगों से मिलने आया होगा। प्रणाम भाई। हाँ अरविंद। हे चल कुर्सी दे। कैसे हो? ठीक हो भाई। लोगो आज क्लास में नहीं आया। हे लोगो। हाँ पिताजी। बाहर आओ। बच्चे हैं ना, वो तो खिलवाड़ करेंगे ही, जाने देना चाहिए। और तुमने तो उन्हें डांट दिया, छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। नहीं भाई, सब सीखा है इसने, क्लास में सबसे बेस्ट है, अभी से ऐसा करेगा तो तकलीफ होगी। हे लोगो। इतनी सी बात पे गुस्सा हो गया कि घर में मुंह छुपा के बैठा है, चल प्रैक्टिस पे। दोबारा ऐसा मत करना, जा फ्रेश होके आ जा। हे सुनाने क्या बोल रहे हैं, जाओ तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगा वहां। हे पिताजी से जुबान लड़ा रहे हो? देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्या? मेरे पिताजी से बात कर रहा हूँ। हे सबसे उल्टी बातें करते हो। खुद को गिरा दूं मैं,
ये कल के आए हुए लड़के को सर पे बिठाएंगे और मैं खुशी से ताली बजाऊं क्या? हे, नया लड़का है वो। तो जो वो करेगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। सुनो, एक बात बोलता हूँ, मुझे तुम भी पसंद नहीं, वो भी पसंद नहीं। ज्यादा गुस्सा सही नहीं। नहीं पिताजी, आपको बोल के कोई फायदा नहीं है, मैं नहीं सुनने वाला। देखो मास्टर, एक बात सुन लो, मैं तुम्हारे ही सामने एक दिन उसका मुंह तोड़ दूंगा, तब समझ में आएगा। अरे मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जा तू। पिताजी, इस आदमी को तुम निकालोगे या मैं निकालूं? अरविंद, उस दिन भी मैंने तुमसे बोला था, फिर से तुम वही कर रहे हो। नहीं भाई, छोटा लड़का है, मेरे लिए तो दोनों ही लड़के बराबर है ना भाई, एक के लिए ज्यादा एक के लिए कम नहीं कर सकता भाई। क्या कहा, दोनों बराबर है? अरे क्या वो मेरे बेटे के साथ पैदा हुआ? मैं भी सही, मेरा बेटा भी सही, हमारे बराबर कोई नहीं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा ही हूँ, जाओ उसी को कोचिंग दो। भाई सुनो, निकलो चुपचाप यहाँ से। ए, चल इसे बाहर का रास्ता दिखा। ए, चल, 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 चल। क्यों मास्टर, बदनाम हो गए ना? हर एक की जगह होती है, मेरी जगह तुमने उसको दी ना। एक बात याद रखना, मेरी जगह ना तुम ले सकते हो और ना वो। अब देख लो। बीपी बढ़ गया है जो इतना गुस्सा कर रहा है, बहुत जल्दी दुनिया से चला जाएगा। हे मजाक कर रहा हूं मैं, हंस तो दे। ठीक है मत हंस, चल गाड़ी में बैठ। हे गर्लफ्रेंड से भी इतनी मिन्नत नहीं करता, मुंह खुला के बैठ जाते हैं। तुम लोगों को मैं प्रोफेशनल बनाना चाहता था, मेरी गलती थी वो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम भी एक दिन गुंडे बन जाओगे। जो इज्जत देते हैं वही प्यार भी करते हैं। तुमने कभी किसी की इज्जत तो की नहीं, तो प्यार कहाँ से करोगे? अगर ऐसे रहे ना तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे जीवन में। क्यों बैठा गाड़ी पे? इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत थी, चुपचाप बोल देते, मैं अपर्णा दीदी नहीं हूँ। हे जुबान पे बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरी। हाँ अरे क्या करें मास्टर जी, आप तो खाना ही ऐसा खिलाते हो, मटन खिलाओगे तो चर्बी आएगी ना। अब घूरना बंद कीजिए मास्टर जी, भूख लगी है, जल्दी से खाना खिलाइए। एक बार नहीं, 100 बार सोच के ही मैंने ये फैसला लिया है। देखा जाए तो लड़के के घर से लड़की देखने आते हैं, लेकिन पहली बार लड़की का बाप लड़के के यहाँ आया। तुम्हें पता है तुम कौन हो? अरे तुम्हारी औकात है मेरे बेटे को दामाद बनाने की? अपनी बेटी से शादी करा के मेरे बेटे को अपने कबाड़ी के दुकान पर बिठाना चाहते हो? देखिए जरा सोच समझ के बात कीजिए, मेरी गलती है ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी आपके लिए सही है, बिना माँ के लेकिन संस्कारी है। वो तुम्हारे बेटे को प्यार करती है, उससे अच्छा वर मुझे मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा आप पे भरोसा है, आप खुद समझदार हैं। हाँ मैं कमाड़ी का धंधा करता हूँ, जो भी कमाया हूँ मैं अपनी बेटी के लिए बचा के रखा है, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। मेरी एक ही तो लड़की है, मेरा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। ए, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी कमाई से मेरा ये घर चलेगा? मैंने तुमसे कभी पैसों की बात की क्या? लेकिन वो आपको चाहिए भी नहीं। देखो मैं अकेली औरत हूँ, फिर भी अपने बेटे को बड़ा किया है, तो जो उससे शादी करेगी क्या मैं उसे नहीं संभाल सकती? पैसे के लिए मैं अपने बेटे को बर्बाद नहीं करूँगी। तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ मेरे घर से। मुझे माफ कर दीजिए, सारी लड़कियाँ शादी के बाद बिगड़ने का कारण लड़की के बाप के पास पैसों की कमी या पैसा होने की अकड़ ही तो है। मैंने वो दोनों के बिना अपनी बेटी को बड़ा किया है, आप ही मेरी बेटी को बहु स्वीकार कर सकती हैं। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ, अभी आप जाइए। सोच के अच्छी खबर दीजिए।
आप लेके जाइए, हम क्या बोल सकते हैं। ए पूजा, उसे लेकर आओ। ए चलना, तुम्हारा छोटा भाई आया तुमसे मिलने। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कैसे देख पाऊंगी उसको। क्या बोल रही है वो? नहीं दीदी, ये मना कर रही है जाने से। ए कुमारी, तू आ रही है या नहीं? ए चलना। नहीं दीदी। आ जाना, चल मिलके तो आ जा। चल दीदी, नहीं आ जाना। तुम्हारे अपने घर से लेने आए हैं, जाओगी? नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए माँ रो रही है, प्लीज घर चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कुमार, कुमार मेरी बात तो सुनो। देखा ना आपने, अपनों से डरती है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, लेकिन क्या है, एक छोटा सा चेंज होता है, हमें भी पता नहीं होता। आखिर हम ऐसा एक दिन कैसे बन जाते हैं, हम अपनी मर्जी से क्या अपनी जिंदगी जी नहीं सकते, कोई नहीं समझता हमें। ओहो, क्या बताऊं तुम लोगों को, रोड पे चलते हुए लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि बता नहीं सकता कि कितना दर्द होता है। गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करती, हम तो शराब के साथ ही पैदा होते हैं। इस वक्त एक ही जगह पे और एक ही दुकान में हम सब रहते हैं, इसी से हम खुश हैं और हमारे लिए यही काफी है। इंसानियत के तौर पर हम सबको आप लोग अलग देखते हैं ना, क्या माला? हाँ माधव, B.Sc. फर्स्ट क्लास, अब माला बन गई, तमिलनाडु ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी ये। छोड़ो ना, जब देखो वही बातें। हमारे यहाँ ये लड़की बनी है, आप फिक्र मत करो, हम इससे कोई भी गलत काम बिल्कुल नहीं करवाएंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे अपने भाई से बात करनी है। वीरा, पिताजी कैसे हैं? और क्या माँ अब भी गुस्सा है मुझ पर? वीरा तू घर आ जा कुमार, ये सब छोड़ दे, मैं माँ से बात कर लूंगा। सुन वीरा, मैं यहाँ पर हूँ, ये माँ को मत बताना, तुझे कभी भी मिलना होगा तो यहाँ पर आ जाना। तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूँ मैं। तू यहाँ से जा, कचरे की गाड़ी टाइम पे आती है ना? हाँ टाइम पे आती है, लेकिन मैं नहीं जाता। क्यों, कोई और काम मिल गया क्या तुझे? नहीं मास्टर, जैसे फाइटिंग सीख रहा हूँ मैं, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ लेकिन माँ बहुत गुस्सा करती है। ठीक है, मैं भी तुझे पैसे दिया करूंगी। माँ से कहना कि तूने मेहनत से कमा के पैसे लाए हैं, ये ले रख ले। सारे पैसे मुझे दोगे और तुम्हें जरूरत पड़ी तो? मेरा ख्याल ये सब अच्छे से रखते हैं। तू माँ पिताजी का ख्याल रखना, कोई जरूरत हो तो मुझे बोलना। तुम चलो, मैं इसे घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है मास्टर जी। मास्टर जी एक मिनट। क्या हुआ? मास्टर जी पिताजी की दवाइयाँ लेनी है। पैसे हैं तेरे पास? हाँ हाँ है। पक्का ना? हाँ हाँ। अच्छा सुन, किसी से बोलना नहीं कि तू अपने भाई से मिला, कुछ देर में मैं तुम्हारी माँ से बता दूंगा। ठीक है मास्टर जी। चल जा अभी। ठीक है, ध्यान से जाना। जी जा। भैया कोई अच्छी से दवा दीजिए। मजाक कर रहा है? आपकी यहीं से तो दवा ले रहा हूँ, लेकिन अब तक कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहा था। ए, डॉक्टर के पास नहीं जाके मेरे से क्यों पूछ रहा है तू? ठीक है, पैसे कितने? 650 रुपये। जा लेकर जा, मास्टर के साथ मेरी खिल्ली उड़ा रहा था ना, ए जैसे आया ना वैसे जा।
नजर है तुझ पर, अब पता चलेगा मैं कौन हूँ। चल जा। देखो ये दवाई सही है ना? ए, तू मेरे से मजाक कर रहा है? नहीं नहीं, इस दवाइयों को दोबारा से चेक कर लो ना प्लीज। सही तो है, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। माँ, माँ, कल मास्टर जी की सगाई है, वहां तुम्हें भी बुलाया है। कितना करती है, कब से बात कर रहा हूं जवाब भी नहीं दे रही है, क्या करूं? माँ, फ्रिज के ऊपर रखी है। जाने वाले इतने जल्दी मरते नहीं है, वहीं खड़े खड़े देख क्या रहा है? चल आ जा इधर। चल आ गया तू। चाची, आप आओगे मुझे पता था। चल अब नाटक मत कर, जानती हूँ तुम्हें सब पता होता है। शेयर का है मेरा? तुम्हारी सगाई है और चाची तुम्हारा इंतजाम न करे, वो देख वहाँ पर। पागल है क्या तू? उसे मारने बोला, उसकी माँ को नहीं। क्या करता वो, उसको धक्का मार के उसके सामने आ गई। अबे चाय लेकर आ, चुपचाप वहाँ क्या बैठा है, जल्दी ला। बिना वजह शक्ति कपूर की तरह चाय दे रहा है। देखा मैंने उसकी आंखों में, देखा डर का, मौत का डर। उसको मेरे हाथों से मारना है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। कल करना है तो आज ही कर डाल रहा। सर तोड़ दिया इसका। दोबारा ये सब करना मत, वरना तुम्हारी हड्डी तोड़ देंगे। क्या है गुना ये सब? मुझे कुछ नहीं पता। इन सब के लिए भी एक पंचायत? क्या है ये सब? नहीं कुछ नहीं पिताजी। हे, क्या कुछ नहीं यार, अभी दो लोग गए ना यहाँ से, उनके साथ मिलकर तेरा लड़का परेशान करता रहता है सबको। देखा ना कैसे मारकर इसका सर फोड़ दिया उसने। हाँ भैया, दुकान भी तोड़ दी। मैं देख लूंगा देवा। आज के बाद अगर तुम दोनों नहीं करूंगा। क्या सब एक एक करके एडवाइस दे रहे हैं, हाथ में आए तो मार दूंगा इसे।
मारने की बातें मत कर, लड़ना मुझे भी आता है। अभी आना फिर। रुको, बेल्ट दिखाता हूँ मैं तुझे। क्या करेगा तू? पीछे हटो, रुको, रुको। शांत नहीं रहेगा तू? क्या भाई, क्या ऐसे लड़ रहे हैं? एक काम करते हैं, इन दोनों को लेकर एक फाइट लगा देते हैं ना। क्या भाई, समझाने के बजाय आप फाइट करने की सोच रहे हैं? तो क्या हो गया इसमें, गलत है क्या? ये वैसे भी मारने वाले नहीं है। क्या गुना भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? ये चैंपियन का लड़का है, उससे पूछो। तो ये भी चैंपियन का ही लड़का है, लेकिन बीच सड़क पे फाइट करना नहीं सिखाया मैंने, एक अनुशासन होता है। छोटे बच्चे हैं ये लोग। आज सर फोड़ा है इसने, कल किसी का मर्डर करेगा तभी हम लोग चुप बैठेंगे क्या? भाई आप चुप क्यों बैठे? पहले मैच रद्द कर, जो जीतेगा वो चैंपियन, जो हारा वो चुपचाप चल जाएगा। कुछ करने का सोचा? तो मैं नहीं सोचूंगा कि तुम बच्चे हो। नहीं भाई, ये सब नहीं होगा, जो भी होगा मैं देख लूंगा। चलता हूँ भाई। चलो। आपकी बात छोड़कर बीच में ही चला गया। ये घर की मुर्गी है, कभी भी खा सकते हैं। मुझे सोने का अंडा देने वाला बत्तख चाहिए। बाहर भेज सबको। ए, जाना यहाँ से। ए, जाओ, मैं आता हूँ। एरिया में कलेक्शन का पैसा पुलिस को देना पड़ता है। तुम्हारी फाइट देखने कितने लोग आते होंगे? एक तीर से दो शिकार करूंगा, पैसा मेरा होगा। चैंपियन तेरा बेटा, क्या बोलता है? डील ओके है। अब टोकन के पैसों के लिए क्या करोगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। चिंदी चोरी के फाइट बहुत हो गई। तुम टीवी देखते हो ना, रजनी की मूवी आती है तो भी लोग फाइट झगड़ा ही देखना पसंद करते हैं। पार्टी को मैं ढूंढता हूँ, लाखों रुपए तुम्हारे बेटे पे लगाऊंगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने बेटे को जिताना है। मेरी तरफ से ओके, पैसे कौन लगाएगा? वो मैं देख लूंगा। अपने तमिल लड़कों की फाइट देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग हैं यहाँ। फिर एक बार बोलता हूँ, प्लान बना के तेरा लड़का ही जीते, तभी तुझे चैंपियनशिप और मुझे पैसे मिले। समझ में मिल गया। तुमने मुझे अपना खाना दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है? आज मंगलवार है, तुम मांस नहीं खाओगी इसीलिए नहीं पूछा। ठीक है, बात क्या है बोलो, मुझे और भी काम है। अगले दो दिनों तक तुम्हारा लड़का यहाँ नहीं दिखना चाहिए। क्यों? एक भूखा शेर हिरण का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो हिरण के करीब पहुंचा, उसकी भूख बढ़ने लगी। हिरण के खून की खुशबू से शेर को नशा होने लगा। अगर शिकार के वक्त पे एक खरगोश बीच में आके हिरण को बचाएगा तो शेर की भूख और बढ़ेगी या खरगोश पे उसे गुस्सा आएगा। मुझे तेरे पागल बेटे पे बहुत तरस आ रहा है। क्या रे, तू अपने पति के खाने में नमक नहीं मिलाती क्या? जबान संभाल कर बात कर। क्या जबान संभाल के बात करूं? पैसों के लिए कुछ भी करने वाले तुम लोग मेरे बेटे को जाने को कह रहे हो? मेरे बेटे में एक फाइटर का खून दौड़ रहा है, लेकिन वो तुम्हारी तरह पैसों के लिए दूसरों का खून नहीं बहाता। औरत हो इसीलिए चुप हूँ, उसको यहाँ से जाने को बोलो वरना वो नहीं बचेगा। अपना मुंह बंद कर, किससे बात कर रहा है तुझे पता है ना? मैं खुद मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, मेरे सामने तेरे जैसों की क्या हैसियत है? मेरा बेटा यही कहीं होगा, वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है पता है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो उसका सामना करके दिखाओ। क्या सामना करके दिखाओ?
पिताजी उस आदमी को उठाकर उसके हाथ पांव तोड़कर ले आओ, उसके सामने चैंपियन बनूंगा। ए, अगर तुझ में हिम्मत है तो जाकर उससे लड़। मैं मारूंगा तो तेरे बेटे की हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? उसकी शादी रोक कर उसे पागल भी बना सकता हूँ। देखो अपनी इस बहादुरी में तुम्हारी बहू की बलि चढ़ जाएगी, मेरे लिए सब नया नहीं है। दो दिन में गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो बोलूंगा नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अगर उस शेर को उतनी ही भूख और उसका मूड बन जाए तो क्या होगा? वह हिरण कोई और नहीं, तुम्हारी बहू है। हाँ? क्यों पिताजी, इसका तो मुंह बंद हो गया, क्या देख रही हो? जहाँ से आई हो चुपचाप वहीं वापस चली जाओ। सुन, खाने में नमक कम ही मिलाना चाहिए वरना तकलीफ हो सकती है। क्यों पिताजी, माँ की टाइमिंग सही है ना? माँ कहाँ गई थी तुम? ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। ज्योतिष से मिलने गई थी बेटा। ज्योतिष, तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, तुम्हें मंदिर जाने को कहा है बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे ना? अरे माँ तुम भी ना, क्या इन सब चीजों में विश्वास करती हो? बेटा ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। माँ मैं ये सब नहीं मानता माँ। अरे दो दिन की तो बात है, अकेले नहीं जाना चाहते तो मैं साथ चलती हूँ। अरे तुम भी ना, वो बात नहीं है बेटा। इन मामलों में कितनी शादियां रुक गई है मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं चला गया तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मामले में गड़बड़ होगी तो चलेगा तुम्हें? ठीक है तुम्हारी मर्जी, तुम अपना काम देखो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अपर्णा, मंदिर जाने के लिए तैयार हो तो ही बात करो, वरना बात मत करो। माँ क्या है ये सब? सुनो, उसे लेके दो दिन कहीं घूमने चले जाओ। सगाई के बाद कोई अपने बच्चों को बाहर घूमने नहीं भेजता, मैं भेज रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। बेटा मैं जो भी करूँगी तुम्हारी भलाई के लिए करूँगी, तुम मेरी बात मानोगे ना बेटा? ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है मुझे बताओगे? जब से यहाँ आए हो बहुत कम बोल रहे हो तुम। भूख लगी है, चुप रहो, सोने जा रहा हूँ, चाय पियोगी, बस इतना ही बोल रहे हो तुम। मेरी गलती में तुम्हें यहाँ लेकर आई, वेस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी। अब मैं भी चुपचाप रहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। क्या गलत? वीरा अभी बच्चा है, इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। देखो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम वापस चलते हैं।
बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुनो ये जो लड़का है ना ये पक्का जीतेगा। अच्छा चल जा लड़। बेटे से हारना होगा और उसके लिए तुम्हें मैं 5 लाख दूंगा। बात नहीं मानी तो जानता है ना क्या होगा। समझ गया। बहुत बढ़िया वीरा। और मार और मार। Thank you.
जीतता हूँ। तुमने कितनी घिनौनी हरकत की है पता है? तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने गलत किया। नहीं मास्टर जी, अगर मैंने आपका भरोसा तोड़ा होता तो मैं वही मर जाता। आपने जो बचाव के लिए मुझे सिखाया मैंने वही किया मास्टर जी। पैसे लेके अगर मैं हारता तो मेरे पिताजी का भरोसा टूट जाता मास्टर जी। आप ही ने कहा था कि जिंदगी में अगर कुछ करके दिखाना है ना तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना मत। मैंने जो भी किया सही किया, कुछ गलत नहीं किया मास्टर जी। शुरुआत उन लोगों ने की थी और खत्म मैंने की, बस इतनी सी बात। अब आप ही बताइए मास्टर जी, मैंने सही किया या गलत? गलत नहीं है, लेकिन तुमने एक बात गौर की, जब तुम उसे मार रहे थे उसने बचाया नहीं, क्योंकि वो समझ गया था तुम्हें। तुम्हारे पहले वार के बाद से ही इसने सोच लिया था कि ये तुम्हें हारने नहीं देगा। इसने तुम्हें रोका नहीं और ना ही तुम रुके, ये चुपचाप मार खाता रहा। इसने प्रूव कर दिया कि ये फाइटर है। तुम्हें इसे सीखना चाहिए कि एक सच्चा फाइटर कैसा होता है। वो तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं समझे, और तुम दोनों को लड़ाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। जो तुम दोनों के बाप ने किया तुम लोग भी करोगे क्या? अगर तुम लोग यही करोगे तो मेरे सिखाने का कोई फायदा नहीं है। ये तू पहले ही बता सकता था। क्यों? ताकि तुम मुझे जीतने दो? नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं ही तुझे 5 लाख रुपए देकर खुद जीत जाता, समझा?